न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। शुरुआत करते हैं खरगोन बड़वानी जिले की कोरोना बुलेटिन का। पहले बात करते हैं बड़वानी जिले की। बड़वानी जिले में आज फिर राहत मिली है। बड़वानी जिले में आज 51 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो विगत कुछ दिनों से बड़वानी को राहत मिली है, पॉजिटिव रेट कम होने लगा है और इसी के साथ एक आशा की किरण बड़वानी जिले में लगी है। और इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे बड़वानी में आज 8 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बड़वानी के बाद राजपुर में 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खेतिया में 3 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अगलगांव, अंजड़, निवाली, गुंगवाड़ा और कुआ में 2-2 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लोनसरा, चिचरी, खेड़ी, खजूरी, सालखेड़ा, मोहीपुरा, उमरदा, सेगवाल, ठिकरी, मोरतलाई, सेंधवा, सांगवी नीम, रायखेड़ा, देवधर, खजूरी, भागसूर, जूनाभरी, मोगरीखेड़ा में इन सभी जगह कर एक एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आंकड़ा बढ़कर 8,051 पहुंच चुका है। वहीं 6,838 लोगों का उपचार हो चुका है। वहीं 1,131 लोगों का उपचार चल रहा है। जी हाँ, चिंता वाली बात है कि पूरे जिले भर में 1,100 से ऊपर लोगों का उपचार चल रहा है, लेकिन एक राहत भरी खबर ये भी है कि पॉजिटिव रेट कम हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे जिले भर में अब तक 62 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। वहीं अगर बात करें खरगोन की, तो खरगोन जिले में कुछ हालात ठीक नहीं है। जी हाँ, खरगोन जिले में पिछले कुछ दिनों से एक्टिव केस कम होने लगे हैं। वहीं जो आंकड़े आ रहे हैं, जो 150 से ऊपर आंकड़े आते थे, वो भी कम हुए हैं। 114 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से रोजाना खरगोन जिले में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 196 लोगों की पूरे जिले भर में अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़ा बढ़कर संक्रमितों का 12,618 पहुंच चुका है। वहीं 10,746 लोगों का अब तक उपचार हो चुका है। वहीं एक चिंता वाली बात यह भी है कि 1,469 लोगों का उपचार पूरे जिले भर में चल रहा है। तो बने रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ।